What's up everyone? Welcome back to the channel. तो guys, हम लोग आज कवर करेंगे हमारा एक और नया चैप्टर जो कि है सब्सिडरी बुक्स. लास्ट क्लास में मैंने आपको लेजर और ट्रायल बैलेंस के बेसिक सारे समझा दिए थे. आई होप आपको वो भी समझ में आ गए होंगे. एंड आज मैं आपको वन शॉट सब्सिडरी बुक्स के बेसिक समझा दूंगा. आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा इस चैप्टर में एंड यू विल फील वेरी कंफर्टेबल इन अकाउंट्स. इसके बाद बस BRS और डेप्रिसिएशन एंड हमारा सिलेबस मैक्सिमम पोर्शन खत्म हो जाएगा. चलिए जल्दी से शुरू करते हैं. प्लेलिस्ट को फॉलो करना, प्रॉपरली मेंटेन्ड है, सारे चैप्टर्स डाल दिए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. चलिए लेट्स बिगिन. चलो जी, मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे. स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स. सर, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स होती क्या है? देखो, आपने अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज बनानी सीखी, लेजर मैंने आपको सिखाया, ट्रायल बैलेंस मैंने आपको सिखाया, कैश बुक मैंने आपको सिखाई. तो कोई भी बिजनेस हो उसके अंदर मेनली जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं. सर, कौन कौन सी दो प्रकार की होती हैं? एक तो होती है कैश की ट्रांजैक्शंस, एक होती है नॉन कैश ट्रांजैक्शंस. सर, कैश और नॉन कैश में फर्क क्या है? जैसे कैश सेल, नॉन कैश में हो गई क्रेडिट सेल. माल बेचा, पैसा आ गया, पैसा नहीं आया, कैश ट्रांजैक्शन, नॉन कैश ट्रांजैक्शन. कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस. देखो, नॉन कैश ट्रांजैक्शन, कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, है ना. सिमिलरली सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, डेप्रिसिएशन, है ना, बैड डेट्स एटसेट्रा. इसका मतलब एक बिजनेस में बेटा बहुत सारी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, बहुत सारी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं. जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, जहां पे भी पैसे का लेन देन है, चाहे वो कैश से हो चाहे वो बैंक में हो, पैसे का लेन देन हो रहा है, तो जितनी भी बच्चों कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सभी कैश ट्रांजैक्शंस, चाहे परचेज है चाहे सेल है, इसके साथ साथ और भी मशीनरी परचेज फॉर कैश, सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, सैलरी रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, जो भी कैश में हुआ, इन सब के लिए आपने एक बुक बनाई थी जिसको हम बोल देते थे कैश बुक. जिसको हम क्या बोल देते थे? कैश बुक. बट क्या आपने इन सभी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के लिए कोई बुक्स बनाई है जिसके अंदर आप नॉन कैश उधार की ट्रांजैक्शंस लिख पाओ? तो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के लिए बच्चों, इन सभी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के लिए जो बुक्स बनती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स. समझे? इन सभी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक्स बनाई जाती हैं उनको हम सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं. अब सब्सिडरी बुक्स में कितने प्रकार की बुक्स होती हैं बच्चों? परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, BR बुक, BP बुक, जनरल प्रॉपर. तो हमारे पास इन ऑल 7 बुक्स हैं बच्चों जो आपको सब्सिडरी बुक्स में सीखनी होती हैं. सबसे पहली कौन सी होती है? परचेज बुक. सर, परचेज बुक किस लिए होगी? फॉर क्रेडिट परचेजेस, जो आपने उधार में माल खरीदा है, क्रेडिट परचेजेस के लिए परचेज बुक बनेगी. सेल्स बुक, सर ये किस लिए होगी? फॉर क्रेडिट सेल्स, ठीक है. परचेज रिटर्न बुक, ये किस लिए होगी? जब आप माल खरीदा हुआ वापस करते हो, है ना. सेल्स रिटर्न बुक, जब बिका हुआ माल वापस आता है,
बिल्स रिसीवेबल बुक, जिसको हम BR बुक भी बोलते हैं। ये बेसिकली जो हमारे बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं, जिन पे हमें पैसा लेना है, उनके लिए होती है। बिल्स पेबल बुक, जो आपको लोगों का पैसा देना है उसके लिए मेनली बिल्स पेबल बुक होती है। एंड जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर किस लिए होता है बेटा? बहुत सारी ऐसी एंट्रीज हैं जो उधार की नहीं है, लेकिन उसमें कैश का भी लेन देन नहीं है। बैड डेट्स हो गया, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, डेप्रिसिएशन हो गया, उन सबके लिए जर्नल प्रॉपर बनता है। यानी जिसका कोई नहीं उसका जर्नल प्रॉपर, जो कहीं नहीं आया वो जर्नल प्रॉपर में आया, है ना। अब हमारे सिलेबस में कौन सी दो बुक्स नहीं है? ये हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। तो हमारे सिलेबस में सर कितनी बुक्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 बुक्स हमें बनानी आ गई तो समझो हमारा काम डन है जी। 5 बुक्स हमें बनानी आ गई, हमारा काम डन है। सर कौन कौन सी बुक्स कैसे कैसे बनेंगी, आओ सबसे पहले हेडिंग डालो बच्चों, परचेज बुक। सर परचेज बुक क्या होता है? देखो नाम में ही है, जो कैश की परचेज है वो तो कैश बुक में जाएगी, बट जो उधार की परचेज है वो तो परचेज बुक में जाएगी ना। तो क्या होगी ये बुक? दिस बुक कंटेन्स ऑल क्रेडिट परचेजेस। सारी क्रेडिट परचेजेस बच्चों इसमें लिखी जाती हैं। अब परचेजेस याद रखना, सिर्फ परचेजेस, यानी कि सिर्फ और सिर्फ गुड्स, यानी कि वो चीजें जिनमें आप डील करते हो। अगर उधार की मशीनरी है वो इसमें नहीं आएगी, सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स एंड क्रेडिट, समझ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ माल। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में लिखा होगा कि मैं एक फर्नीचर डीलर हूं, तो सिर्फ और सिर्फ उधार का फर्नीचर अगर खरीदा है तो वो इसमें आएगा, उधार की मशीनरी नहीं, उधार की कंप्यूटर नहीं, समझ गए। सिर्फ और सिर्फ गुड्स, जिस चीज का मेरा बिजनेस है बस वो। दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे? ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड एंड देन GST इज एडेड। ट्रेड डिस्काउंट बच्चों डिडक्ट किया जाएगा और GST इसमें एड किया जाएगा। तो परचेज बुक में सबसे पहले तो उधार की ट्रांजेक्शन लिखी जाएंगी, दूसरी बात उधार की भी परचेजेस, सिर्फ गुड्स गुड्स, ओके। ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट किया जाएगा, फिर GST एड किया जाएगा। नेक्स्ट इसका फॉर्मेट। सर इसका फॉर्मेट कैसा होता है? तो सबसे पहले आता है बच्चों इसके अंदर डेट, ठीक है, उसके बाद पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, देन LF जो कि एज ऑलवेज खाली छोड़ना है, देन वी हैव डिटेल्स, डिटेल्स के बाद फिर परचेजेस, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST और टोटल, ये कॉलम्स बनते हैं। इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST और टोटल। तो हमारे पास टोटल कितने कॉलम्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 कॉलम्स हैं जो आपको याद रखने हैं बेटा। सबसे पहले कॉलम में यहाँ पे तारीख लिख दी जाएगी, डेट। इसके अंदर मेन सारी डिटेल्स, किससे कितना कितना माल खरीदा है, इनवॉइस नंबर क्वेश्चन में गिवन होगा, LF हमेशा की तरह खाली रहेगा, डिटेल्स में हम सारा हिसाब किताब करेंगे, फिर परचेज कितना, GST कितना और टोटल कितना। ये हमारा फॉर्मेट रहता है किसका? परचेज बुक का। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया परचेज बुक, समझ में आया। अब इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे सेल्स बुक। देखो परचेज बुक क्यों बनती थी? परचेज बुक बनती थी, दिस बुक कंटेन्स ऑल द क्रेडिट परचेजेस, तो सेल्स बुक क्या होगी? दिस
book contains all the credit sales. ये जो किताब है बच्चों, ये credit sales record करेगी. Credit sales का मतलब sale of goods. जो आपने माल बेचा है उधार में, क्रेडिट सेल्स वो सिर्फ और सिर्फ इसमें रिकॉर्ड होगी. कैश की सेल तो कैश बुक में जाएगी, क्रेडिट सेल इसी में जाएगी. इसमें भी दूसरा नियम सेम है, ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड एंड देन जीएसटी इज एडेड. ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे और फिर जीएसटी ऐड कर देंगे. इसका क्या फॉर्मेट होगा सर, इसका क्या फॉर्मेट चलेगा? इसमें भी 10 कॉलम बनेंगे, बिल्कुल भी भूलना नहीं है बच्चों. 10 कॉलम्स आपके इन सभी बुक्स में बनने हैं. ओके, सबसे पहले क्या बनेगा? डेट, देन पर्टिकुलर्स, उसके बाद इसमें भी इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स, सेल, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी और टोटल. देखो सर, सेल में इनपुट की जगह आउटपुट, यस, जीएसटी पढ़ाया ना मैंने, जब भी माल बिकता है तो उसमें इनपुट नहीं होता, आउटपुट होता है ना. तो डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स, सेल्स, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST एंड टोटल. ये कॉलम किसका होता है बच्चों, ये फॉर्मेट किसका होता है? सेल्स बुक का होता है. सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? सिर्फ और सिर्फ उधार की सेल. किस चीज की उधार की सेल? माल की. अब माल में GST जो है वो बेसिकली बाद में प्लस होगा, पहले आप क्या माइनस करोगे? ट्रेड डिस्काउंट. ठीक है, आओ तीसरी बुक, नंबर थ्री, थर्ड बुक, BR. BRBP तो डिलीटेड है, हमारे सिलेबस में नहीं है. परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक क्या है? दिस बुक कंटेन्स ऑल एंट्रीज ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर्स. जितना भी माल हमने अपने सप्लायर को वापस करा है वो इसमें आएगा. नंबर टू, अलाउंस क्लेम्ड इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन दिस बुक. अगर आपने कोई अलाउंस क्लेम करा है, देखो अगर आपने माल वापस करा है तो फिर आप सामने वाले से अलाउंस, यानी कई बार एक अमाउंट पेंडिंग रह जाता है वो भी क्लेम करते हैं, तो वो भी ऑब्वियसली इसी में आएगा. भाई मैं माल वापस कर रहा हूँ तो अलाउंस तो क्लेम करूंगा ना अपना, है ना, वो भी इसके अंदर आता है. और इसके अंदर सीधा फॉर्मेट होता है. क्या फॉर्मेट चलेगा सर इसके अंदर? इसके अंदर एक छोटा सा चेंज है बच्चों फॉर्मेट में, वो क्या है? बस इनवॉइस नंबर की जगह चेंज आएगा और कुछ नहीं है, और सब सेम है. सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स, परचेज रिटर्न, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, टोटल, पर्टिकुलर्स. इस बुक में बेटा खास तौर पे यहां पे आपको ध्यान रखना है कि यहां पे इनवॉइस नंबर नहीं होता, यहां पे होता है डेबिट नोट नंबर. डेबिट नोट नंबर, एलएफ. सर डेबिट नोट क्या होता है बच्चों? डेबिट नोट एक वो डॉक्यूमेंट होता है जो ये बताता है कि जब भी आप परचेज रिटर्न करते हो तो एंट्री क्या होती है? सप्लायर डेबिट टू परचेज रिटर्न. सप्लायर को डेबिट करते हो ना आप, जब भी आपने माल वापस करा तो क्या जर्नल एंट्री होगी? सप्लायर टू परचेज रिटर्न. सप्लायर डेबिट हो गया है, इसका एविडेंस किससे पता चलता है? डेबिट नोट से. इसीलिए परचेज रिटर्न में हमेशा एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम बोलते हैं डेबिट नोट. तो डेट, पर्टिकुलर, डेबिट नोट नंबर, एलएफ, देन यू हैव डिटेल्स, फिर आप लिखोगे परचेज रिटर्न कितना हुआ, फिर इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी,
इनपुट IGST एंड टोटल, ये आपके पास फॉर्मेट होता है परचेज रिटर्न बुक का। ठीक है बच्चों, इसे भी बना लो, अगली क्लास में मैं सीधा क्वेश्चंस पे आऊंगा तो आपको फॉर्मेट्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट होगा हमारे पास सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड। ऊपर वाली परचेज रिटर्न का क्या होता था? रिटर्न इनवर्ड, वो भी लिख लो अपने पास। गलती का स्कोप नहीं है बच्चों हमारे यहाँ, है ना भाई, नंबर आने चाहिए हमारे बच्चों के। बढ़िया, इस किताब में क्या रिकॉर्ड होगा? दिस बुक रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ सेल्स रिटर्न, जो भी बिका हुआ माल वापस आया है उस सब की एंट्री इसी में होती है। बेका हुआ माल वापस आ गया तो आपको अलाउंस देना पड़ेगा इस बार। अलाउंस अलाउड, अलाउंस अलाउड इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन दिस बुक। अलाउंस अलाउड भी बच्चों इसी बुक में रिकॉर्ड होगा। इसके बाद हम यहाँ पे इसका फॉर्मेट ले लेते हैं। सर फॉर्मेट कैसे बनेगा, क्या चेंज आएगा, कॉलम क्या इसमें भी 10 होंगे? हाँ जी बिल्कुल, बनाओ जरा, आ जाओ। डेट, पर्टिकुलर्स, इसमें भी इनवॉइस नंबर नहीं होता। डिटेल्स, सेल्स रिटर्न। लो जी, ये 10 इसके अंदर पर्टिकुलर कॉलम्स होते हैं। सबसे पहले डेट, देन यू हैव पर्टिकुलर्स, इसके बाद यू हैव क्रेडिट नोट नंबर। बच्चों याद रखना, इसमें क्रेडिट नोट नंबर होता है। इसके अंदर भी हमारे पास इनवॉइस नंबर नहीं होता, इसमें क्रेडिट नोट नंबर होता है। सर ये क्रेडिट नोट का क्या मतलब है? देखो, जब माल वापस आएगा, जब माल वापस आएगा तो वो सेल्स रिटर्न है, है ना। आप क्या एंट्री करते हो? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, यानी कस्टमर को क्रेडिट करा गया है। सप्लायर को डेबिट किया गया था तो डेबिट नोट था, कस्टमर को क्रेडिट किया गया है तो क्रेडिट नोट है। क्रेडिट नोट नंबर ये बताता है कि माल वापस आ गया और कस्टमर को क्रेडिट कर दिया गया है। ठीक है, क्रेडिट नोट नंबर LF। उसके बाद सेल्स रिटर्न, नहीं यहां पे डिटेल्स, डिटेल्स, देन सेल्स रिटर्न, देन आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST एंड टोटल। ये हमारे पास फॉर्मेट में आ जाता है। क्या क्या? डेट, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट नोट नंबर, LF, डिटेल, सेल्स रिटर्न, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST एंड टोटल। परफेक्ट हो गया बेटा, ये हमारा इसमें आ गया। इसके बाद हमारा लास्ट क्या बचता है? लास्ट हमारे पास बचता है जर्नल प्रॉपर। सर जर्नल प्रॉपर क्या है? ऑल द रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस, रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस का मतलब ना तो कैश बुक वाली, ना परचेज बुक वाली, ना सेल बुक वाली, ना परचेज रिटर्न वाली, ना सेल्स रिटर्न वाली, 5 किताबों को छोड़ के ऑल द रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। जिसका कोई नहीं उसका जर्नल प्रॉपर। ठीक है सर, जर्नल प्रॉपर का क्या फॉर्मेट है? डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अरे सर ये तो जर्नल एंट्री वाला ही फॉर्मेट है। जी हाँ, जर्नल प्रॉपर में आपको बस एंट्री करके ही छोड़नी है। सपोज डेप्रिसिएशन, डेप अकाउंट डेबिट टू एसेट। देखो ना तो ये कहीं कैश बुक में आया, ना ये परचेज बुक में आया, ना ये सेल बुक में आया, ना ये परचेज रिटर्न में आया, ना सेल रिटर्न में आया, तो इसका कोई नहीं, तो इसका कौन? जर्नल प्रॉपर। जैसे बैड डेट्स टू डेटर, बैड डेट्स की एंट्री कहीं नहीं आई, ना कैश बुक में,
ना परचेज बुक में, ना सेल बुक में, ना परचेज रिटर्न में, ना सेल रिटर्न में, तो कहाँ आएगी? जनरल प्रॉपर में. डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर कहीं नहीं आई, तो कहाँ आ जाएगी? जनरल प्रॉपर में आ जाएगी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री, इस तरीके की मल्टीपल एंट्रीज, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, सबकी एंट्रीज जो कहीं नहीं आई अभी तक, वो सब जनरल प्रॉपर में आती है. तो दिस इज हाउ जनरल प्रॉपर तैयार होता है बच्चों, समझ रहे हो? तो मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से सारी सब्सिडरी बुक्स के बारे में बताया, उनका मतलब बताया, उसमें क्या क्या रिकॉर्ड होता है, कैसे कैसे रिकॉर्ड होता है, वो सब बताया मैंने, सबके फॉर्मेट्स बताए, क्या क्या चैप्टर में आपको पढ़ना है सब बता दिया. तो आज की इस वीडियो में हमारा बेस जो है वो तैयार हो गया है ना. तुम लोग समझ गए कि सब्सिडरी बुक्स में कैसे कैसे फॉर्मेट बनता है, कैसे कैसे चीजें रिकॉर्ड करी आती हैं. कल हम लोग इसके क्वेश्चंस करते हैं और चैप्टर को कर देंगे समाप्त. आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा. दो वीडियोस में तुम्हारा सब्सिडरी बुक्स खत्म हो जाएगा और तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है. किताब खोलना और कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर लेना, तुम्हारा हो जाएगा, ये मेरा वादा है तुम्हारे से. आज वाली वीडियो के नोट्स अच्छे से बनाओ, जितने नोट्स बनाते हो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर दिया करो फोटो खींच के, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ यार हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और जितना एफर्ट मैं डाल रहा हूँ तुम्हें बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है. दूसरी बात, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, कम्युनिटी ज्वाइन करो हमारी, मजा आएगा, कॉमर्स वाले मिलजुल के धमाल मचाएंगे. कल मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, तब तक खूब मेहनत करते रहो. कोई और वीडियो अर्जेंट बेसिस पे चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं वो पहले अपलोड कर दूंगा. थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय.